गंगोत्री धाम से गुजरात के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस के खाई में गिरने से हुए हादसे के बारे में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि तेज गति के कारण बस के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ था। इसी के तहत बस चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम से गुजरात के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण उसकी तेज गति थी, जिसके लिए चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार गुजरात के 7 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 28 अन्य घायल हो गए थे। घायलों में बस का चालक और परिचालक दोनों शामिल हैं। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया चालक तेज गति से गाड़ी चला रहा था और इसी कारण यह हादसा हुआ। यदुवंशी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार बस को गंगरानी के सक्रिय मार्ग पर मोड़ने का चालक को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया और वो सीधे गहरी खाई में गिर गई। कल जो हादसा हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ गंगरानी के पास में, तो प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार भी और जो पुलिस ने घायलों से बातचीत की, उन्होंने सभी ने बताया कि जो ड्राइवर है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी को अनियंत्रित चला रहा था तेज तरीके से। तो जो प्राइमा फसाई प्रारंभिक तौर पे यही लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से और रैश ड्राइविंग से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना मनेरी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 11/23 279/337/338 और 304A IPC में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ड्राइवर के खिलाफ। ये नामजद मुकदमा है, मुकेश कुमार जो ड्राइवर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।